कितनी गंदगी निकल रही है। देखो ऑयल भी सारा बाहर आया हुआ है इसमें से, ये कितना काला निकल रहा है, कितना गंदा है, देख रहे हो हालत। एंड दिस इज ब्रांड न्यू कंप्रेसर, ये देखो। Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to another video. So today we have a grand item as you can see, और इसके AC compressor की band बच चुकी है। तो अभी पहले इसका bumper खोलते हैं और AC compressor condenser निकालते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी AC compressor ख़राब होता है ना, कभी भी compressor अकेला change नहीं होता, साथ में condenser change करना ही पड़ता है, क्योंकि जो उसके particles होते हैं, जो metal particles उसके oil में चले जाते हैं, वो पूरे condenser में फैल जाते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जिसमें कंडेंसर में फ़िल्टर रिमूवेबल होता है उसमें क्लीनिंग होके सेम कंडेंसर यूज़ हो सकता है विद न्यू फिल्टर, बट जिसमें कंडेंसर में फ़िल्टर रिमूवेबल नहीं होता तो उसमें कंडेंसर चेंज होता ही है, और बाकी सारी पाइप्स और कूलिंग कॉइल की हमें फ्लशिंग करनी पड़ती है केमिकल डाल के। एनीवेज, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इसका बम्पर खुलवाते हैं, उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। तो गाइस इसका बम्पर खोल दिया है, ठीक है। अब इसमें जो प्रेशर है वो रिलीज़ कर रहे हैं, और ये देखो मॉन्टी ने थोड़ा प्रेशर निकाला, कितनी गंदगी निकल रही है, देख रहे हो, ये देखो। इससे पता लगता है कि कंप्रेसर अंदर से पूरी तरह कट चुका है। ये जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ना, ये बेसिकली मेटल पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी मेटल की एमरी होती है। एक मिनट, बंद करियो बंद करियो, ये देखो कितना कितना गंदा आ रहा है, देख रहे हो। ओके गाइस, तो इसका कंडेंसर खुल गया है, कंप्रेसर खुल गया है, प्लस इसकी ना विंडशील्ड भी टूटी हुई है, ये देखो। तो ये भी चेंज होनी है, पूरा क्रैक वहाँ से यहाँ तक आ रहा है और वो सर्कल तो बना ही हुआ है। एनीवेज, तो ये देखो कंप्रेसर एक खोल लिया। सचिन कहाँ से ली गए? ये वाले जॉइंट से। देखो ऑयल भी सारा बाहर आया हुआ है इसमें से, ठीक है, ये पूरा लीक कर रहा है। प्लस आपने इसका वो तो देखा ही, इसमें जो ऑयल निकला कितना गंदा निकला, कितना काला, सब कुछ काला निकल रहा है। एक बार कंडेंसर लाइए, तो कंडेंसर जो मैं आपको कह रहा था ना, एक तो ये देखो इसमें से भी जो ये ऑयल निकला है, इसकी हालत देख रहे हो आप कितना काला है ये। तो ये देखो इसमें से जो ये ऑयल निकल रहा है, ये कितना काला निकल रहा है, कितना गंदा है, ये देख रहे हो हालत। तो ये कंडेंसर पूरा ख़त्म ही है, तो इसलिए इसको चेंज करेंगे, कंप्रेसर चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं। पहले तो ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स भी सारी देखो काली हुई पड़ी हैं, इनकी हालत देखो, इनकी पूरी की वॉशिंग फ्लैशिंग होगी केमिकल डाल के, और यहाँ से खोल के कूलिंग कॉइल की भी फ्लैशिंग करनी पड़ेगी हमें। तो ये सब करते हैं पहले और सामान मंगाते हैं, फिर आगे आपको अपडेट करता हूँ। यू लाइक इट? सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस, एंड इसका सारा सामान ये देखो खुल गया है, पाइप्स वगैरह, कल पाइप्स वगैरह नहीं खुली हुई थी, तो पाइप्स वगैरह खुल गई हैं, कंप्रेसर कंडेंसर ये पड़ा है और नया ये आ गया है। ये देखो दिस इज ब्रांड न्यू कंडेंसर, ठीक है। And this is brand new compressor. ये देखो। तो अभी इन सारी पाइप्स की फ्लशिंग करेंगे, कोई फ्लैशिंग बोलता है कोई फ्लशिंग बोलता है, सो फ्लशिंग करेंगे, प्लस कूलिंग कॉइल की भी। यहाँ से देखो ये एक खोल रखा है, ये जो आपको सामने दो आउटलेट दिख रहे हैं ना, तो इनको भी साफ करना पड़ेगा, बिकॉज एज यू कैन सी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कालक है। तो इसकी सफाई करके फिर
सारा लगाना शुरू करेंगे, तो जब सफाई होगी तब आपको अपडेट करता हूँ, या फिर जब लगेगा तब। सो गाइस, जब तक इसकी इसकी पाइप्स वगैरह होती हैं तब तक एक काम करते हैं, इसकी जो विंडशील्ड है वो चेंज करते हैं और उसका जो टाइम लैप्स है वो शुरू करते हैं। गाइस ये देखो, ये अभी कूलिंग कॉइल में बाहर से हवा मारी है और इतनी गंदगी निकली है कूलिंग कॉइल में। मुझे हवा बंद करके अभी इसको थोड़ा और साफ करते हैं, या हो सकता है कि इसको चेंज भी करना पड़ सकता है अगर इतनी गंदगी निकल रही है। बाकी कंडेंसर इसका लगा दिया है, ठीक है, ये वाली पाइप पूरी तरह से फ्लैश कर दी हैं, फ्लश कर दी हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। एक पाइप वहाँ सूख रही है, उसको भी फ्लश कर दिया है। वो देखो, वो टंगरी तो वो सूख रही है वहाँ, तो वो एक बार सूख जाएगी तो वो भी दिखा देता हूँ। बट इसमें से जो कचरा निकल रहा है बहुत ज़्यादा निकल रहा है। सो गाइस, फिटिंग तो शुरू हो ही चुकी है, ठीक है। देखो, ये वाली पाइप्स लगा दी हैं, एक्सपेंशन वॉल लगा दिया है, ये वाली बड़ी पाइप लग गई है और कंप्रेसर ये रहने हैं, तो अब ये लगने जा रहा है। सो गाइस, आई थी जस्ट सॉ इन द टाइम लैप, सारी फिटिंग वगैरह हो गई, उसके बाद हमने इसमें प्रेशर डाल के छोड़ दिया है, एज यू कैन सी। तो अब बस यही चेक करना है कहीं से लीकेज ना हो, अगर नीडल ड्रॉप नहीं होती देन ऑल इज़ गुड। उसके बाद इसमें गैस डालेंगे एंड देन वील स्टार्ट द एसी, सो तब आपको अपडेट करता हूँ मैं। तो गाइस, प्रेशर वहीं का वहीं है, ठीक है, तो अब प्रेशर रिलीज करते हैं और गैस डालते हैं, निकालो। तो प्रेशर सारा रिलीज हो गया है, अब इसमें एसी गैस डालते हैं, वो डलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। और ये देखो, ये भाई साहब चिल्लाते हुए, तो प्रेशर रिलीज हो गया है, अब इसमें गैस डालते हैं, उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, गैस डल चुकी है, वी आर इनसाइड द कार और एसी बढ़िया चल रहा है, इट्स चिल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो वैसे तो टेम्परेचर गेज भी हमारे पास, लेकिन वही हर गाड़ी में हम वो लगा के चेक नहीं करते, बिकॉज अब वैसे ही एक्सपीरियंस इतना होगा कि हाथ से ही पता लग जाता है कि वैसे ये चिल्ड कर रही है। एंड प्लस जो क्वांटिटी गैस की डलनी चाहिए, अगर आप वो सही डालोगे और कंप्रेसर ऑयल सही डालोगे तो सही चलेगा। तो इस टाइम सही चल रही है, अब इसकी क्लीनिंग करवाते हैं कि इसका ये हैंडल और टूटा हुआ है, या भैया से उन्होंने बताया नहीं है, बट हम खुद पूछ लेते हैं कि अगर ये भी उन्हें चेंज करवाना है तो गाड़ी की वॉशिंग क्लीनिंग करवा के गाड़ी दे देते हैं। तो अब बाकी की इसकी बची फिटिंग करते हैं और उसके बाद बम्पर वगैरह लगा के वॉशिंग करते हैं। इन केस यू आर वंडरिंग कि ये धुआं क्यों आ रहा है, तो हमने जो केमिकल मार के साफ किया था ना कॉइल, तो केमिकल थोड़ा यहाँ इंजन और पीछे साइलेंसर पे गिर जाता है, तो उसकी वजह से धुआं आ रहा है। तो अब वो जब उड़ेगा धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गई एयर फिल्टर असेंबली, तो इसका मैं टाइम लैप्स नहीं बना रहा, बिकॉज उतरते हुए तो हमने देखा ही था, अब इसको लगने देते हैं। बाकी गाइस, आपको मैं एक सेकंड में बताता हूँ कि इसका टोटल बिल कितना बना है, एक बार गाड़ी रेडी हो जाए, वॉशिंग मशीन हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ।
सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे एंड कल शाम को तो भैया गाड़ी लेने आए नहीं, बोला आज सुबह आएंगे। तो अब गाड़ी की वॉशिंग हो गई है, अंदर से क्लीनिंग हो गई है, अब बस कपड़ा वगैरह लग रहा है, उसके बाद टायर पॉलिश वगैरह लगाएंगे, प्लस इसका RC लीवर भी आ गया है। एक बार विनोद भैया एक मिनट रुको, नहीं ये देखो ये इसका RC लीवर आ गया दूसरा, तो ये साजी चेंज करने लगे हैं, ये टूटा हुआ है, तो उसके बाद बस बिल बनाते हैं फिर आपको बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ ना कुछ कराएंगे उस साथ जी को। सो पीपल, हर बार की तरह मैं इस बार वीडियो एंड करनी भूल गया था। एनीवे, इस गाड़ी का टोटल बिल बना था, डेट वाज 29,500 रुपीज, 29,500 रुपये इंक्लूडिंग एवरीथिंग वी डिड इन दिस कार। कंप्रेसर चेंज हुआ, कंडेंसर चेंज हुआ, विंडशील्ड चेंज हुई एंड AC गैस, प्लस जो पाइप सारी फ्लश हुई एंड लेबर, 29,500 रुपये। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, विल कैच इन नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Come on, get that money.